क्या हो गया, लेकिन क्राउड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पुलिस वुलिस है ट्रैक के ऊपर। गाड़ी के इंजन से युवक कटा दड़ हुआ सर से अलग, जहां उसके शव को जिला चिकित्सालय में स्थित मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। क्या हो गया, खत्म गया, एक्सीडेंट हो गया। यह जो खड़ी है, अच्छा इस खड़ी इससे एक्सीडेंट हो गया, गर्दन कट गई है, ऐसा सीन हो रहा। देखो उधर जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस ऑफिसर बहुत है उधर। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:37 और अभी मैं हूँ अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं 12992, जो कि उदयपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी है, जो जयपुर से चलती है दोपहर के 2:30 और उदयपुर पहुँचती है रात के 10:30। इसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं। अजमेर ही आती है 4:30 पे, 4:35 पे, 5 मिनट का इसका होल्ड होता है। अभी टाइम हो रहा है 3:37, तो अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे बताते हैं। ये है अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रही हमारी अजमेर टू भीलवाड़ा, टिकट का प्राइस है 75 रुपये। और ये सामने खड़ी है गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली सराय रायगुल्ला बांद्रा टर्मिनल। हमारी गाड़ी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है? इस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 6, नंबर ऑफ ट्रैक 10 है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंच गए। अब यहां पर वेट करते हैं अपनी गाड़ी का, जो है आधे घंटे बाद आएगी 4:30। प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड से भी रास्ता है बाहर निकलने का। आज मैं फर्स्ट टाइम इधर से निकल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे पास अभी आधा घंटा है, तो मैंने सोचा चलो इस साइड की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं थोड़ा शोर शराबा कम रहेगा और मतलब कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ऐसा है, देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड में। सो अभी टाइम हो रहा है 4:24, बस 5 मिनट में हमारी गाड़ी आ रही है, उसी का वेट कर रहे हैं। अभी मैं पहुँच रहा हूँ अपने वाले डिब्बों में, जहाँ पर मुझे सीट मिलेगी सबसे आगे बैठने का फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ से मैं जल्दी से निकल के अपने घर पहुँच जाऊँगा। इसलिए मैं पहले सारी चीज़ें मैनेज करके चलता हूँ, ताकि मुझे बाद में टाइम मिले घर पहुँचने में। ये गाड़ी 6:10 पे भीलवाड़ा पहुँचाएगी, बट ये गाड़ी मैक्सिमम टाइम लेट हो जाती तो 6:30 बजा देती है। फिर भी कोशिश करेंगे 6:10 पे घर पहुँच जाएँ, 6:20 पे भी पहुँच जाए तो भी चलेगा, थोड़ा जल्दी चले जाएँ। सुबह आ रही है हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7 गाज़ियाबाद का लगा है इसमें लोकोमोटिव। क्राउड तो बहुत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है? पैसा करते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, सीट कवर करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। सो गाड़ी तो पूरी खाली थी, ये हमने सीट कवर कर ली, ये खाली थी, मतलब ये मिलना मुश्किल हो जाता है। इधर पूरी गाड़ी खाली है, मतलब सही है यार, गाड़ी पूरी खाली थी ये। अभी हो रहा है हमारी गाड़ी का डिपार्चर अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। देख लो काफ़ी लेट हो गई, गाड़ी का टाइम था 4:35 का डिपार्चर का टाइम था, अभी हो रहा है 4:50, 15 मिनट गाड़ी यहीं पर लेट हो गई, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। अभी हम छोड़ रहे हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये खड़ा है हमारा WAG पावरफुल लोकोमोटिव, इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ही है, ऐसा है कुछ अजमेर जंक्शन। सो अब मिलेंगे आपसे अगले स्टेशन से, ठीक है? यहाँ पे कुछ खा लिया मैंने, चिप्स खा लिए, चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिया, तो मतलब खा ली मैंने, तो अब सीधा मिलते हैं अगले स्टेशन इस साइड में। अगले स्टेशन नसीराबाद में गाड़ी रुकेगी, और इसके मतलब स्टॉप भी 4-5 भीलवाड़ा हो गया। इसमें 2 स्टॉप और बढ़ जाते हैं, एक तो गुलाबपुरा, दूसरा मांडल, 2 स्टॉप और बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के। बंद हो गया यार ये तो, इतनी जल्दी बंद हो गया, ये चालू था, ये अभी आया था यहाँ पर। अभी स्पीड पकड़ी है इस गाड़ी ने, जो कि मतलब काफ़ी स्पीड में चलने वाली है। तो अभी ये गाड़ी रुकी थी, फिर चलने लगी, स्पीड बहुत है, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाती है और 2 मिनट में मतलब फिर रुक जाती है, ऐसा सीन है। अगला स्टेशन नसीराबाद, गाड़ी पहुँचने में बस पहुँचेगी, उसके बाद में रुकेगी और फिर हम वहाँ मिलेंगे, ठीक है? अभी सुंदर सुंदर व्यू हम छोड़ते हुए जा रहे हैं इस साइड का, सारा सुंदर सुंदर व्यू इधर ऐसा कुछ है, देख लो, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये सारा छोड़ते हुए हम जा रहे हैं। गाड़ी की स्पीड अभी 70 है, 70 की स्पीड में हमारी गाड़ी भाग रही है फुल स्पीड में, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। हमारी साइड में पूरा एरिया बंजर वाला इलाका है, मतलब खेत वेत हैं, बट यहाँ पर पानी कम होने की वजह से यहाँ पे फसल होती है वो भी कम की जाती है। गाड़ी पहुंच गई है नसीराबाद रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी गाड़ी रुकेगी जाके। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म 2 है इसके, नंबर ऑफ़ ट्रैक 3 है, जो कि यहीं से दिख रहे हैं।
नसीराबाद रेलवे स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है 5:17, गाड़ी लेट हो चुकी है यहाँ पर, इसका टाइम ये नहीं था बट लेट हो गई है। गाड़ी का टाइम था 5:00, गाड़ी आ रही है 5:17, 17 मिनट लेट हो गई गाड़ी। क्राउड इस साइड में, क्राउड देख लो, गाड़ी पूरी खाली है वैसे भी, गाड़ी पूरे 19 मिनट लेट हो गई, 18 मिनट लेट हो गई। गाड़ी का टाइम था 5:00, गाड़ी आ रही 5:17 पे, 18 मिनट पे। अब ये भीलवाड़ा भी लेट पहुंचा सकती है, कवर भी कर सकती है, कोई फिक्स नहीं, बट गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, जेन्युइन बहुत स्पीड में। अगला स्टॉप आएगा इसका विजयनगर, जो कि मतलब 5:30 का टाइम था, लेकिन 5:20 तो यहीं पर हो रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे पहुँच जाएगी 5:30, देखते हैं वहाँ कितनी देर में पहुँचेगी। अगले स्टॉप पर मिलेंगे। अभी हो रहा है हमारी गाड़ी का डिपार्चर नसीराबाद रेलवे स्टेशन से। 5:21, 5:30 का टाइम था, देखते हैं अब विजयनगर कितने बजे पहुँचेगी, ये लेट ही होगी और क्या। कब देखो भाई साहब, गाड़ी पूरी कब हो गई है पूरी, और डिब्बे भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी कब हो गई, पूरी गाड़ी कब हो गई है ना। यहाँ गाड़ी स्लो चल रही है इसलिए मैं ऐसा हूँ। तो ऐसा करते हैं, अब जल्दी से पहुँचते हैं विजयनगर में, ठीक है। गाड़ी अभी बहुत स्पीड में चलने वाली है, विद इन अ सेकेंड गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर अभी मौसम ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडा मौसम है, इतना समझ लो। अभी हम छोड़ रहे हैं विजयनगर रेलवे स्टेशन 5:52 पर, विजयनगर का टाइम था 5:30 का, गाड़ी आई थी 5:50 पे, और 52 पे छूट भी गई, 2 मिनट का होल्ड था। अब ये फिर 10 मिनट मतलब 2-3 किलोमीटर बाद फिर रुकेगी गुलाबपुरा, मतलब इसका वहाँ पर भी होल्ड है इसका। इस ब्रिज, इस पुल को पार करने के बाद आप पहुँच जाओगे गुलाबपुरा, बस इतना सा डिस्टेंस होता है ये। देखो गुलाब बाबा की पावन नगरी गुलाबपुरा में आगमन पर नगर पालिका गुलाबपुरा आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये आगे हम गुलाबपुरा, ये आगे स्टॉप पे गाड़ी रुकने वाली है 2 मिनट में, गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है यार, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रही है गाड़ी, फुल स्पीड में। आगे गुलाबपुरा, यहाँ पर भी गाड़ी देखो 2 मिनट में मतलब तुरंत रोक दी, यहाँ इसका 1 मिनट का ऑफिशियल होल्ड है, गाड़ी रुकेगी 1 मिनट, उसके बाद में फिर चलना स्टार्ट हो जाएगी। मांडल 6:30 पे, गाड़ी का टाइम था 6:13, अभी आ रही है 6:30 पे ही है, इतना लेट हो चुकी है, देख लो। मांडल जो कि भीलवाड़ा डिवीज़न में आता है, भीलवाड़ा लाइन में आता है, मांडल रेलवे स्टेशन 6:30 होने वाले हैं, और पहुँच गई है मांडल रेलवे स्टेशन। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, अब यहाँ पर बहुत कम लोग उतरेंगे, कम लोग चढ़ेंगे। सामने सन की रे आ रही है क्योंकि सनसेट हो रहा है ना इसलिए। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे भीलवाड़ा पहुँचने में, 6:30 हो रहे हैं यहाँ पर, भीलवाड़ा का टाइम था 6:25 और यहाँ का टाइम 6:13 था, तो लेट हो गए। देखो 6:40 तक पहुँचा दे, 10 मिनट ही ले इसमें तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत और लेट हो सकता है, इसलिए मैं इस गाड़ी को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये लेट हमेशा कर देती है, हमेशा लेट करती है ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, ज़्यादा लेट कर रही है ना यार। यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन डायरेक्ट। टाइम देखो 6:34 और अभी इस गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है मांडल रेलवे स्टेशन से। आ जा सवरिया, आज का काम नहीं बना, जो इस काम के लिए मैं गया था वो काम नहीं बन पाया। अब मैं नहीं, मेरे साथ अब आनंद जी आएंगे, द यूनिक कपल चैनल, वो आएंगे अब शायद कल, तो नहीं कल 29 है, तो वो 30 को आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 30 को मतलब एक राउंड लगाऊंगा आगे, वो 30 को आएंगे, उसके बाद में और मतलब 30 के बाद में फिर एक या दो को फिर आना पड़ेगा, अगर 31 को नहीं हुआ तो मतलब अभी एक दो बार और राउंड लगेंगे अजमेर के, कुछ काम बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट लेवल बूस्ट मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा भागना पड़ रहा है। अरे वाह, यही तो सीन था जिसको कैसे करना था, सूख गया ये नहर है जो सूख गई है। इसके बाद में हम एंटर हो चुके हैं भीलवाड़ा डिवीजन में, भीलवाड़ा लाइन में। अभी हमारी गाड़ी कब हो रही है, आ, 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 आ,
बस जल्दी से भीलवाड़ा पहुँच जाएँ, जल्दी से भीलवाड़ा पहुँच जाएँ, और तो कुछ नहीं। वैसे ये गाड़ी बहुत खाली है ना, जनरल में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी बहुत खाली है। अजमेर में भी क्राउड आया, उसके बाद में भी मतलब सीटें अवेलेबल हैं, ऊपर साइड में भी अवेलेबल है, नीचे साइड में भी अवेलेबल हैं। धक्का मुक्की वाला कोई सीन नहीं है, और मतलब ज़मीन वाला कोई सीन नहीं, आराम से आप बैठ के उदयपुर तक जा सकते हो भीलवाड़ा में। और ये खाली हो जाएगी गाड़ी, भीलवाड़ा में क्राउड भी आएगा। लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन, 6:43 हो रहा है, 6:45 पे गाड़ी रुकेगी, 2 मिनट लग जाएंगे इसको आगे पहुंचने में। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई गाड़ी आ रही है आई थिंक, हाँ कोई गाड़ी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। इस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई गाड़ी खड़ी है, बता शायद गुड्स कैरियर ट्रेन है, हाँ गुड्स कैरियर ट्रेन है जो कि अभी आई है, जो निकल रही है धीरे धीरे इंडियन रेलवे पावरफुल लोकोमोटिव। हो भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन, गाड़ी का टाइम था 6:25, गाड़ी आई है 6:45 पे, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, ठीक है ना। मतलब थोड़ा जल्दी निकलते हैं, लेट हो गया हूँ 20 मिनट, तो वैसे ही लेट हो गया हूँ मैं, 46 हो रहे हैं, 21 मिनट लेट हो गया हूँ मैं, ठीक है। इस साइड में ये खड़ी हो गई जिसकी वजह से इधर से मतलब ऐसे जा रहे हैं, देखो सारे लोग ऐसे भी ऐसे चलते हैं, ठीक है हम भी ऐसे चलते हैं, सारे लोग मतलब यूं ही खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। इस साइड में भी देखो बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आई डोंट नो क्या हो गया, बट बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया क्या, आई डोंट नो इस साइड में क्या हो गया, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पुलिस है ट्रैक के ऊपर। एक्सीडेंट कुछ हो तो नहीं गया है भाई, बहुत ज़्यादा पुलिस उस साइड में, ये देखो पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं। क्या हो गया अभी आइडिया नहीं है, वहाँ पहुँच के पता चलेगा, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं भीलवाड़ा। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यह जो खड़ी है, अच्छा इस खड़ी इससे एक्सीडेंट हो गया, गर्दन कट गई है, ऐसा सीन हो रहा है देखो। उधर जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस ऑफिसर बहुत है उधर। सो अभी आ गए हम घर पे, घर से मैं कुंभा सर्किल से आया हूँ, पावर बैंक लेके घूम रहा हूँ, फ़ोन चार्ज नहीं है इसलिए, यहाँ किसी काम से आया हूँ, अभी मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गया ना, तो जितने भी काम थे वो करने पड़ रहे हैं, मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने सोचा घर पे जाके नहा लूँ, एक्चुअली कुछ चीज़ें, हाँ जो एक्सीडेंट हुआ था ना, मतलब कोई पर्सन था उसने अल्कोहल पी रखी थी, उसकी वजह से वो गाड़ी को मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से अल्कोहल पी रखी थी, ट्रैक चेंज कर रहा था, कोई बोलता वहाँ बैठा था, मतलब कुछ भी ऐसा सीन था जिसकी वजह से वो अब नहीं रहा, मतलब वो ख़त्म हो गया, उसकी गर्दन जो थी ना वो कट गई थी इस वजह से। तो ऐसा करते हैं अभी हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अभी बज रहे हैं 7:42, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मुझे आज, और आज का दिन भी अच्छा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हुई, तो ऐसा सीन था। कोई नहीं, घर पहुँचते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है।